हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन और आप देख रहे हैं सिनेमा सगा। तो जी पठान मूवी को रिलीज हुए 25 दिन हो गए हैं, शहजादा को भी 2 दिन हो चुके हैं, एंटमैन को भी 2 दिन हो चुके हैं रिलीज हुए हुए। और आज मैं आपको इन तीनों मूवीज का कलेक्शन बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं एंटमैन की। एंटमैन ने अपने फर्स्ट डे पे 10.85 करोड़ का कलेक्शन किया था। सेकेंड डे पे इस मूवी ने 13 करोड़ का कलेक्शन अभी कर रही है और इसके साथ साथ मूवी का टोटल इंडिया से नेट कलेक्शन होता है 23 करोड़ का। दूसरे नंबर पर पठान की बात करते हैं। पठान मूवी से आपको पता कि शाहरुख खान की कमबैक मूवी है। शाहरुख खान ने 4 साल के बाद कमबैक किया और इतनी बड़ी हिट और अभी तक की जबरदस्त कलेक्शन कर रही है। इस मूवी की वजह से अभी भी ये नई मूवी जो आई है शहजादा और एंटमैन उसको काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। जैसे कि आपको बता दें कि 24 डे पे इस मूवी ने अपने 24 डे पे भी इस मूवी ने 2.25 करोड़ का ऑल ओवर इंडिया से जो कलेक्शन किया था और अपने 25वें दिन भी इस मूवी ने 3.5 करोड़ का कलेक्शन किया है। और ये मैं आपको नेट कलेक्शन बता रहा हूँ। तो इसी के साथ साथ इस मूवी का ऑल ओवर इंडिया से अब तक का जो कलेक्शन बन चुका है पहले 25 दिन का वो बन चुका है 515.1 करोड़ का। और इसी के साथ ग्रॉस कलेक्शन इस मूवी का बन चुका है 617.1 करोड़ का। और इस मूवी ने अपने 24 डे में ओवरसीज से जो कलेक्शन किया वो किया 372.66 करोड़ का। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इस मूवी ने अभी तक 990 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। जी हाँ जी, सिर्फ 10 करोड़ दूर है उस गोल्डन नंबर से जो कि आज तक कोई भी बॉलीवुड मूवी बगैर चाइना में रिलीज हुए इसको क्रॉस नहीं कर सकी। और ये पठान पहली मूवी बन जाएगी जो 1000 करोड़ का ये गोल्डन नंबर अचीव करेगी बगैर चाइना में रिलीज हुए हुए। इस नंबर पे बात करते हैं शहजादा मूवी की। शहजादा मूवी को रिव्यूज तो बहुत अच्छे आए थे लेकिन इस मूवी को काफी ज्यादा हेट मिल रहा था क्योंकि ये एक अल्लू अर्जुन की फिल्म का रीमेक था और रीमेक की वजह से इस मूवी को काफी ज्यादा हेट मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन फर्स्ट डे पे इस मूवी ने 6 करोड़ का कलेक्शन किया जो कि बहुत ही बुरा कलेक्शन है मेरे लिहाज से क्योंकि इस मूवी का जो बजट है वो 75 करोड़ है और ये एक्सपेक्ट हम नहीं कर रहे थे। और 7.01 करोड़ का पहले दिन इस मूवी ने ग्रॉस कलेक्शन किया। ओवरसीज से इस मूवी ने 0.9 करोड़ का कलेक्शन किया। तो इसके साथ साथ इस मूवी ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन कर चुकी है 8 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है। और दूसरे दिन भी ये मूवी अच्छा कलेक्शन अब कर रही है। थोड़ा सा इस मूवी की ग्रोथ देखने को मिली है क्योंकि हफ्ते का दिन है। ये मूवी अपने सेकंड डे पे 8 से 10 करोड़ का कलेक्शन करेगी। तो इसी के साथ साथ ये मूवी नेट 18 से 20 करोड़ का कलेक्शन अपने 2 दिन में कर लेगी और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 20 से 22 करोड़ तक का करेगी। तो आपको क्या लगता है ये मूवी कितना कलेक्शन करेगी, अपना बजट रिकवर कर सकेगी या नहीं? तो इस तरह की वीडियोज के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब।